सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पैलाक और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं दीक्षा अजय वोरा पिथौरागढ़ भटकटिया से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल दुसराठा व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक हो गए। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी रोज की तरह अपने रूम से हो रही है और 8:30 बजे हो रही है। आज का जो मौसम है खुल चुका है पूरा, क्योंकि सुबह हमेशा कोहरा रहता है हल्का सा, उसके बाद मौसम खुल जाता है और धूप निकल गई है। आपको दिख रही होगी मेरे स्वेटर में धूप दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आजकल ठंड होने लग गई है। तो नहाना वगैरह मेरा हो चुका है, नीचे जाते हैं, साथ ही साथ में आपको मौसम भी दिखाते हैं कि कैसा हो रहा है और ब्रेकफास्ट भी बनाते हैं। एकदम चट्टे वाली धूप आ रही है और इस साइड एकदम बादल। आजकल हमारे ये वाले फूल कितने अच्छे हो गए हैं। हेलो अमित जा रहे हैं नहाने के लिए टॉवल पकड़ के। आज अमित जा रहे हैं घूमने के लिए। अरे अमित, मैं कहूँ कपड़े आज बहुत सारे निकाल रखे, कौन से पहने हो रही होगी, टी शर्ट मिल गई ना। हमारा सुबह का सारा काम वगैरह हो चुका है और नाश्ता भी हो गया है। पापा जी यहाँ पे, आपकी बहुत डिमांड आ रही है व्लॉग में। अभी आ रहे हैं, अभी ब्लॉगिंग करना सीख रहे हैं ना। आज कुकिंग व्लॉग, आज पापा जी का कुकिंग व्लॉग बनने वाला है, क्योंकि आज मैं पहली बार पापा जी के हाथ का बना खाना खाने वाली हूँ। रॉकी रॉकी ले। आज पापा जी ने पोस्टर का बहुत अच्छा यूज कर रखा है, आधार कार्ड पैन कार्ड सब रखने के लिए बना रखे हैं ये। आज अमित जा रहे हैं घूमने के लिए और प्रेस प्रेस करके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, छुप छुपाते। मम्मी आज लगा रही हैं खेत में लहसुन, फिर से दूसरी वाली क्यारी में लहसुन और चंसूर, तो उसके आगे को खेत खोदना है। मैं जाती हूँ, पूछती हूँ खेत खोदना है नहीं खोदना है करके, क्योंकि उसमें सब्जी लगानी है। अब मम्मी ने मिर्ची के पेड़ आधे उखाड़ दिए हैं, थोड़े और बचे हैं, एक क्यारी और बची है, तो खोदते हैं थोड़ा खेत वगैरह। दिन भर सीसा देखने, दिन भर बाय बाय। तो खेत में कर दी मैंने खुदाई और मम्मी अब इसका घास निकाल ली है, क्योंकि वो साफ करना नहीं आता मुझे। और यहाँ पे लहसुन लगा दिए मम्मी ने सारे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। हाँ वही तो, यहाँ पे हमारी चमसूर, मूली और लहसुन लगाए, ऐसी सारी चीजें यहाँ पे भी लगाई हुई है। खेत में खुदाई करके आ गई हूँ मैं, बाल भी बिखर गए पूरा, बहुत ही ज्यादा तेज धूप लग रही थी आज, खतरनाक वाली। एक ही क्यारी खोदी आज, क्योंकि एक ही क्यारी खाली हुई थी तो वही खोदी। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और मतलब रेस्ट करते हैं क्या, फोन चला रही हूँ थोड़ी देर। और आज दिन का खाना बनाने का कोटा पापा जी का है। पापा जी का खाना बनाने का कोटा इसलिए है क्योंकि जो मेरे दादा ससुर थे, मतलब दादा दादा जी थे जो, उनका श्राद्ध है कल, तो आज एकाभगत होती है, एक छाक खाते हैं। मतलब कि एकाभगत बोले तो, एकाभगत और एक छाक जो है ना, उसका मतलब ये होता है कि श्राद्ध होता है जब, उसके एक दिन पहले। पापा जी आज दिन भर में ना एक ही टाइम खाना खाएंगे, और उसके अलावा फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन अनाज में से सिर्फ एक ही टाइम खाएंगे खाना, वो भी दिन का ही खाना खाएंगे, चावल ये सब। तो दिन में पापा जी बनाएंगे खाना तभी, क्योंकि हमने सुबह खाया है तो फिर हमारे हाथ का नहीं खा सकते हैं वो, इसलिए वो ही बनाएंगे दिन में खाना। और साथ ही साथ में इसी बहाने आज पापा जी के हाथ का खाना खाऊंगी मैं पहली बार, क्योंकि 4 महीने हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन अभी तक खाया नहीं था, क्योंकि पापा जी और जो मेरे पति हैं वो दोनों सिर्फ चिकन बनाते हैं और चिकन मैं खाती नहीं हूँ, तो तभी मैंने उनके हाथ का खाना नहीं खा पाई हूँ अभी तक, और आज खाऊंगी। अब जब पापा जी खाना बनाएंगे ना, तो तब नीचे व्लॉग बनाऊंगी और पापा जी को भी दिखाऊंगी खाना बनाते हुए। आज ना हमारा दिन का खाना लेट बनेगा, क्योंकि पापा जी को आज दिन भर में एक ही बार खाना है, तो दिन में ही खाना खा सकते हैं, तो बनेगा 2 या 3 बजे बनेगा, फिर ऐसे ही 4 बजे तक खाएंगे हम खाना, तो रेस्ट कर लेते हैं।
मेरे को ना थकान लग गई खेत खोद के, मतलब आदत नहीं है। और दूसरा ये है कि मम्मी अकेले कर रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा खोद लेती हूँ, फिर खोदा तो धूप बहुत उड़ी थी ना तो थकान लग गई थी। पापा जी की थोड़ी सी हेल्प कर दी है मैंने, ये राई की सब्जी काट दी है और अभी 1:30 बज रखा है तो बनाएंगे आराम से, शायद वो 3 बजे ऐसे बनाएंगे, 2 या 3 बजे ऐसे बनाएंगे। और अभी पानी गर्म हो रहा है पापा जी के लिए, क्योंकि सुबह नहा के नहीं बनाते खाना, दिन में जब खाना बनाते हैं ना उससे थोड़े पहले ही नहा के बनाना होता है बोला खाना, मम्मी बताती अभी मुझे। और पापा बनाएंगे राई की सब्जी, चावल और दाल बनाएंगे उसकी, मांस की, और मतलब मांस यानी कि उड़द, उड़द और राजमा की दाल बनाने वाले हैं। उसमें मलका तो मिक्स कर नहीं सकते क्योंकि मलका भी नहीं खाते हैं। दीदी कुकिंग स्टार्ट हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम शुरू हो गई है। तो हरी सब्जी हाँ मैं उजाला आ रहा है अभी। तो हाँ मैंने है, पापा जी ने बना दिया है खाना और अब गाय को देने की तैयारी हो रही है। मम्मी तोड़ने के लिए जा रही है कद्दू का पत्ता, फिर उसी पत्ते में डाल के देंगे गाय को जो खाना अभी बनाया है ना वो वाला। पापा जी देने जा रहे हैं अब गाय को ये, तो पापा जी चले गए हैं गाय को जो खाना बनता है ना चावल सब्जी और दाल देने के लिए। और साथ 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 ही साथ में वो भी लगाते हैं चंदन लगाते हैं, आज तो पिठा लगता नहीं है क्योंकि चंदन ही लगाते हैं, तो चंदन लगाने के लिए जा रहे हैं। और आज पापा जी ने खाना बनाया क्योंकि उसमें चोखा खाना खाते हैं, और दूसरा ना जैसे पुराने जमाने में नहीं करते थे दादी या दादाजी लोग, मतलब किसी के बच्चों के हाथ का नहीं खाते थे दाल चावल, तो वही करना होता है जो पापा जी ने खाना बनाया ना। तो पापा जी परोसेंगे आज खाना, हम अपने हाथ से निकाल के खा नहीं सकते हैं। और दिनों तो ऐसा था कि मैं ही बनाती हूँ चावल, लेकिन आज पापा जी ने बनाया, आज खा नहीं सकते थे तभी, और अब गाय को देने के लिए गए हैं। और फिर कल पापा जी और मम्मी जाने वाले हैं गांव श्राद्ध करने के लिए दादाजी का। खाना वगैरह हमारा हो चुका है और आज दिन का खाना हमारा हुआ है दिन के मतलब शाम के 4 बजे, क्योंकि शाम स्टार्ट हो ही जाती है 4 बजे हो रखा है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपको, सीधे शाम को पानी भरने जाएंगे शायद मम्मी और मैं, तो सीधे आपको मिलेंगे अब शाम को 5 बजे। रेस्ट वगैरह करके मैं उठ चुकी हूँ और अब नीचे जाते हैं, मम्मी और पापा के लिए बनाते हैं चाय। चल भाई तो फैट होगी पहले। अच्छा पीछे बना दे, खड़े नहीं बना ये देखो नया टेक्निकल, अकली और मुसली, जितना लंबा मुसली उतनी बड़ी लड़की देखो। बहू शॉर्टकट बाल का ओखर बना दिया हमने। विधि ये है इनके डायरेक्टर अखौली और मुसली वाली। क्या जमाना आ गया। धन्यवाद। डालना माइक बंद तो नहीं कर दिया पापा ने? अरे उसमें वो डाल लेना ट्यूब में। नहीं खुला है हरी बत्ती। ये तो बवाला होता है इसमें। बड़ी मुश्किल से बड़ी बड़ी मुश्किल से घूम रही है तो। मच्छरों ने परेशान करते हुए भारत माता बिल्कुल तौलिया से भगाते हुए जबरदस्ती उधर को देख अमित आगे फेर फार के आए ना तुम, पता चल गया लोग, किसी ने मैसेज किया था मेरे, उसमें किसके साथ घूम रहे थे बताओ। ये हाल नहीं घूम रहा था। मंद मंद मुस्कान। अभी यहाँ पे मम्मी फल रही है मड़वा, अच्छा फटक रही है उल्टा सुल्टा बोलती रहती हूँ। हाय गाइस, हाय गाइस बोलो एक बार, हेलो बोलो हेलो मुंह से भी तो बोलो। हेलो अभी मैं इसको बेच कर था बोलो कभी फ्री में भी दे दिया करो ये हमको। उधर आया करना, उधर उधर मिलेगा। मजाक कर रही हूँ, मजाक। हाँ
नहीं तो मैं नहीं खाती हूँ, तो अभी तो मजाक करती हूँ भूख से। मम्मी और मैं जा रहे हैं पानी भरने के लिए, आज दूसरी जगह ने पानी भर के आ चुके हैं हम घर, और अब रात के खाने की तैयारी करते हैं। आज बनानी है भिंडी, तो भिंडी काट लीजिए फटाफट से, उसके बाद बनाते हैं सब्जी। रात का खाना वगैरह मेरा हो चुका है और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक ले सभी को बाय बाय।